आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं सीरीज, जी हाँ, जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई जा रही है। चैप्टर नंबर 9 का ये है वीडियो नंबर 4। अब देखो बेटा, प्रकाश का अपवर्तन है क्या। अपवर्तन का मतलब हो गया दो माध्यमों की घटना। जैसे आपने कभी देखा होगा, गिलास के अंदर अगर आप पेंसिल को डुबो दोगे तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है ना। या फिर आपको जो सूरज है, सूरज डूबने के बाद भी दिखाई देता है और सूरज उगने से पहले ही हमें दिखाई दे जाता है। क्यों? इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन याद रखें, पहली बात तो दो माध्यमों की घटना है। कितने माध्यमों की घटना है बेटा? दो माध्यमों की घटना है, जिनमें से एक माध्यम तो होगा आपका सघन और दूसरा माध्यम होगा विरल। ये सर सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है? सघन, सघन का मतलब घना जंगल, दैट मींस जिसमें कण एकदम पास पास होंगे उसको तो बोलेंगे सघन। विरल का मतलब हो गया दूर दूर, यानी वह माध्यम जिसमें कण दूर दूर होंगे उसको कौन सा माध्यम बोलेंगे? विरल माध्यम। कि सर सघन और विरल तो समझ में आया, लेकिन ये तो बताओ माध्यम क्या है? बेटा माध्यम क्या होता है? अपने आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या है? माध्यम। जैसे हवा ले ली आपने, क्या ले ली आपने? हवा। तो बताओ हवा एक माध्यम है। क्या हवा में कण दूर दूर है? बिल्कुल दूर दूर है। देखो मैं हाथ को आसानी से चला सकता हूँ। इसके बाद ले लो पानी, दूसरा माध्यम। पानी हवा की तुलना में कैसा होगा बोलो? सघन, क्योंकि पानी के अंदर जो कण होंगे वो पास पास होंगे। समझ में आई नहीं आई? तो अगर मैं लिखूं सघन माध्यम, भाई पानी तो सघन माध्यम है, किसकी तुलना में? हवा की तुलना में। अगर हवा और पानी में से मैं बात करता हूं तो पानी हो गया सघन और हवा हो गई विरल। अच्छा, और पानी और कांच की तुलना करेंगे तो बताओ क्या आएगा? पानी और कांच की तुलना करने पर कांच के कण ज्यादा पास पास हैं, इसलिए तो वो ठोस है। तो कांच जो होगा, कांच तो होगा आपका सघन और पानी कैसा होगा आपका? विरल। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ है कि भैया पानी सघन माध्यम है या विरल माध्यम है? बोल दो कि सवाल ही गलत है बाबू। कि सवाल गलत कैसे है? माध्यमों की केवल और केवल तुलना कर सकते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आप, सघन या विरल किसके रेस्पेक्ट में है, तो वो रेस्पेक्ट में देखेंगे। यानी हवा की तुलना में, हवा के रेस्पेक्ट में पानी सघन है, बट कांच के रेस्पेक्ट में पानी कैसा हो गया बोलो? विरल हो गया। तो ये तो माध्यमों की घटना हुई, ठीक है साहब। अब सुनो बेटा, प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? हवा में, क्योंकि हवा में कण दूर दूर होते हैं, प्रकाश बहुत तेज स्पीड से आता है भन्नाटे से। अब सोचो प्रकाश को अगर पानी में छोड़ दिया जाएगा तो पानी के अंदर कण क्या थोड़े पास पास हैं, तो प्रकाश को निकलने में क्या होगी? थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रैफिक जाम हो गया ना। अगर प्रकाश को आप कांच में से गुजारोगे तो कांच में गुजारने पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब जो प्रकाश की स्पीड है वो हमारी गाड़ियों की स्पीड की तरह है। अगर रोड सूना है बिल्कुल, हवा है केवल, तो गाड़ी सटासट चलेगी, ट्रैफिक जाम है, स्पीड कम, और ट्रैफिक जाम, स्पीड और कम। बात आई समझ में आई? That means प्रकाश की जो स्पीड है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी। कैसे? मान लो इसमें V1, मान लो इसमें V2, मान लो, डिपेंड करेगा अलग अलग। अच्छा, स्पीड बताओ किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी? किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी? तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि सर सघन में ज्यादा होगी और विरल में क्या होगी? कम होगी। सघन में स्पीड क्या होगी? सघन में जो स्पीड है वो क्या होगी बोलो? कम होगी। और विरल में स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। विरल में स्पीड ज्यादा, सघन में स्पीड कम। बोलो भाई, क्लियर हुई वाली बात? हो गई सर क्लियर। माध्यमों के अंदर एक गुण पाया जाता है। माध्यम क्या करवा रहा है बोलो? अपवर्तन करवा रहा है। तो माध्यम के अंदर एक गुण पाया जाएगा, उस गुण को बोलेंगे हम लोग अपवर्तनांक। अभी पढ़ने वाले हैं, इसको देखेंगे ना, क्या बोलेंगे बेटा? अपवर्तनांक। जब भी दो माध्यम आ जाएंगे तो कौन सी घटना होगी? अपवर्तन। अपवर्तन क्या माध्यम पे निर्भर करेगा? नहीं करेगा बोलो। कांच है, पानी है, हवा है, करेगा। तो अपवर्तन का कोई ना कोई अंक होगा, उसको ही क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से कर देते हैं या फिर म्यू से करते हैं, है ना, एन या म्यू दोनों से कर सकते हैं। किसको? अपवर्तनांक को। अच्छा सर, अब एक बात याद रखें, अपवर्तनांक जिसका जितना ज्यादा होगा, क्योंकि भैया कांच का अपवर्तनांक याद रखो, गिलास का अपवर्तनांक जनरली होता है 1.5, पानी का अपवर्तनांक होता है बेटा 1.33, और हवा का अपवर्तनांक होता है मान लो 1। हवा और निर्वात दोनों का 1 के आसपास ही माना जाएगा। हवा और निर्वात का अपवर्तनांक कितना है? 1। बताओ अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? कि सर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक तो गिलास का है, क्योंकि गिलास ठोस है,
फिर पानी, फिर हवा। अच्छा, इसका मतलब अपवर्तनांक जिसका ज्यादा है वेग उतना कम होगा, वेग उतना क्या होगा, कम होगा। बता क्यों होगा वेग कम, तू खुद बता। गिलास का अपवर्तनांक ज्यादा है और गिलास में तो वेग कम होता ही नहीं होता, बताओ। ये देखो गिलास में वेग क्या है, कम है। तो याद रखें वेग गिलास में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा किसमें होगा, पानी में, उससे ज्यादा किसमें होगा, हवा में। अच्छा बोलो भाई, अबे समझ ले ध्यान से, क्लियर होगी बात, नहीं होगी बोलोगे। अच्छा सर ये बातें आपने हमारे को बता दी, कि ये क्यों बताई, ये इसलिए बताई जिससे अब तेरे को पढ़ने में आ जाएगा मजा। क्या आ जाएगा, मजा। कैसे देख, कैसे। तो अब आते हैं टॉपिक पर, कि सर इतनी देर से क्या पढ़ा रहे थे। ये तो हमने आपको बेस बनाया, बेस जिससे अब पढ़ने में आएगा मजा। आओ अपवर्तन किसकी बात कर रहे, अपवर्तन बोलो भैया फटाफट। अपवर्तन कितने माध्यमों की घटना, दो माध्यमों की घटना है। अच्छा सर, मान लो पहला माध्यम मैंने ले लिया विरल, दूसरा माध्यम मान लो मैंने ले लिया सघन। सघन में चलो मैं थोड़ा से पानी की ड्रॉप बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ये देखो ये कौन सा माध्यम है बताओ, ये ले लिया सघन। अब सुनो परिभाषा, परिभाषा सुनो। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाएगी कब बोलो, जब आपतित होगी। तो आपतित कैसे करवानी है अपने को, त्रियक। त्रियक का मतलब कितनी भी एंगल पे आप करवा लो, जीरो से 90 के बीच में कितने भी एंगल पर आप क्या करवा दो, उस किरण को आपतित करवा दो। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और आपतित कैसे होगी बोलो, त्रियक। तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं, अभिलंब बना दूंगा जैसे हमने पहले बनाया था। अच्छा सर अभिलंब बना दिया, बिल्कुल। अब बेटा ये जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी क्योंकि इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन। बताया ना ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम में तो क्या गाड़ी एकदम सीधी लेता वो चल जाएगा जैसे हवा में लेके जाता है, नहीं। गाड़ी को तो क्या करेगा, मुड़ाएगा, गाड़ी को क्या करेगा, मुड़ाएगा। तो ये जैसे ही नीचे आएगी, अरे ट्रैफिक जाम है। विरल माध्यम कण दूर दूर, सघन माध्यम कण पास पास, तो प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाएगी। प्रकाश की किरण किधर आ जाएगी बोलो, अभिलंब के पास। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब लिखेंगे पैराग्राफ बदल के पॉइंट नंबर वन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा दूसरा क्या होगा बोलो, इसी में बना देता हूं चलो डायग्राम में। देखो तुम ध्यान सुनना, तुम अलग बनाना है ना, यहां से बनाओगे तुम, यहां से नीचे से ये सघन माध्यम ले लो, ये कौन सा माध्यम ले लो, विरल। अब मान लो ये वाली किरण कैसी बताओ, ये आपतित किरण है, और अभिलंब कैसे बनाओगे, सर ऐसे बनाएंगे बोलो, जानी कैसी थी ऐसी, लेकिन सघन से विरल में जा रही है, विरल में कण क्या है बोलो, दूर दूर है, तो ये भी क्या हो जाती है बोलो, दूर हट जाएगी। केस नंबर वन, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आ जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बात अगली समझ में नहीं आएगी बोलो, क्लियर है वाली बात, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आर, मतलब अपवर्तन कोण। अब आते हैं अपवर्तन के नियम पर। तो पहला नियम तो वो ही जो प्रकाश के परावर्तन में होता है, कि सर क्या, कि भैया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, क्लियर। दूसरा नियम, यहां पर बेटा कोण आई आर के बराबर नहीं है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए जिनको नाम दिया जाता है स्नेल। क्या नाम दिया गया भैया, स्नेल। और स्नेल ने अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं स्नेल का नियम। ये क्या कहते हैं कि आई क्या है बोलो, आपतन कोण, आर क्या है बोलो, अपवर्तन कोण। और एक चीज होती है इसको बोलते हैं बेटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा साइन। साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या। क्या कहा जाता है बेटा, ज्या। तो क्या लिखेंगे, अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। का अनुपात कितना होता है बोलो, नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम।
अब सर ये नियत क्या होता है? नियत तो बेटा अंक होता है, नियत तो क्या है बोलो, एक अंक है। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहते हैं, इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मतलब मेरे बेटे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, मान लो मैं ऊपर वाले केस की ही बात कर रहा हूं, इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो आप एन वन और इसका मान लो आप एन टू। तो भैया पहले स्पीड मान लो वी वन, लो पहले इसमें स्पीड वी वन है, इसमें स्पीड कितनी है वी टू, तो इसकी तुलना में इसमें कितनी स्पीड कम हो गई या ज्यादा हो गई, उसी को तो क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तनांक, तुलनात्मक, तुलना कर दी हमने। तो लिखेंगे कैसे, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन टू अपॉन एन वन। दूसरे माध्यम में पहले के सापेक्ष अपवर्तन, दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन, या फिर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं एन टू वन, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बेटा, ऐसे भी लिख दू या ऐसे भी लिख दू, सुनो बढ़िया बात। अच्छा दूसरा माध्यम क्या है बताओ, कि सर दूसरा माध्यम तो गिलास है तो एन जी लिख दू, अपॉन पहला माध्यम क्या है बोलो, पहला माध्यम हवा है। अगर पहला माध्यम हवा है, हवा से अगर आप तुलना कर रहे हो, हवा का बताओ अपवर्तनांक कितना होता है, कि सर वन होता है। अच्छा वन होता है तो मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं सर, वन की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये केवल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गिलास का अपवर्तनांक। मतलब यहां पर भी यही केस बन रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बोलो, एन, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन टू अपॉन एन वन बराबर एन टू वन बराबर एन। ये कब लिख सकते हैं, जब मैं एयर से कंपेयर कर रहा हूं, तो बात आई समझ में नहीं आई, यह कहलाता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अब आओ बेटा बढ़िया बात सुनो, पॉइंट नंबर वन दिख रहा है, दिख रहा है, यहां स्पीड वी वन, यहां स्पीड वी टू, बताओ कौन से माध्यम में स्पीड ज्यादा है, वी वन में या वी टू में, बताओ। वी वन क्या है, हवा, ये क्या है पानी, तो सर स्पीड तो V1 में ज्यादा होगी, मतलब V1 में स्पीड ज्यादा है, V2 में स्पीड कम है। स्पीड पहले माध्यम में अगर ज्यादा है तो वो माध्यम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विरल माध्यम। वो कौन सा माध्यम कहलाएगा, विरल, जिसमें कम है वो क्या कहलाएगा बोलो, सघन। अब सुनो देखो, बताओ आई बड़ा है क्या आर बड़ा है, आई बड़ा है या आर बड़ा है, सर आई बड़ा है और आर क्या है छोटा, दैट मींस आई बड़ा है आर छोटा है, इनमें से कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए, विरल से सघन में जा रही है। अगर मैं पूछूं आई तो बड़ा है और आर छोटा है, तो बताओ प्रकाश कहां से कहां जा रही है। अच्छा सर आई बड़ा है, आई बड़ा है मतलब आपतन कोण बड़ा है, मतलब विरल माध्यम से सघन में जा रही है। पहले माध्यम में वेग ज्यादा है, दूसरे माध्यम में वेग कम है, इसका मतलब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। क्या इसका उल्टा दूसरा कर सकते हैं अपन लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना दिमाग तो आप भी रखते हो थोड़ा बहुत यार, इसको कर लेना भाई, कर लोगे क्या भाई, अरे सघन से विरल में जाएगी तो V2 बड़ा होगा V1 से और R बड़ा होगा I से, बोलो भाई। क्लियर है क्या भैया, नहीं है, अपवर्तन कैसे कहते हैं, अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, दो माध्यम होने चाहिए, एक होगा सघन और दूसरा होगा विरल। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, स्नेल का नियम इसे कहते हैं। अच्छा अब सुनो, अपवर्तनांक का जो मान है वो बेटा किरण किस कोण पर आपतित हो रही है इस पर निर्भर नहीं करता, ध्यान सुनना ध्यान से, अपवर्तनांक का मान किरण किस कोण पर आपतित हो रही है इस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है सर, ये तो अलग अलग रंग की अलग अलग होती है, बिल्कुल, इसका मतलब ये अलग अलग रंग पर निर्भर करता है, बिल्कुल। अब याद करो, अलग अलग रंग पर निर्भर करता है, खतरे के निशान में केवल लाल लाइट ही क्यों लिया जाता है, नीला ले लेते, पीला ले लेते, कौन सा लिया जाता है बोलो, लाल। क्या लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, हाँ लाल की तरंग दैर्ध्य तो सबसे ज्यादा है। अच्छा अब सुनो बेटा, जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होती है उसका वेग भी उतना ही ज्यादा होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा उसका वेग भी उतना ही ज्यादा, मतलब लाल रंग सबसे तेज चलेगा, बिल्कुल सबसे तेज चलेगा। तो स्नेल के नियम को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखना एक बार, N2 अपॉन N1 बराबर पहला वाले माध्यम में वेग अपॉन दूसरे वाले माध्यम में वेग बराबर पहले वाले माध्यम की लैम्डा 1 अपॉन दूसरे वाले माध्यम की लैम्डा 2। N2 अपॉन N1
बराबर वी वन अपॉन बी टू बराबर लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। क्लियर है, यहां आपका खत्म होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखते हैं अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, दो उदाहरण अपने को देखने हैं। ठीक, इसको चाहे तो नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। तो पहला है बेटा आयताकार स्लेब से अपवर्तन। आयताकार स्लेब क्या होता है बेटा, कांच की पट्टी ले लो आप, कांच की क्या ले लो, एक पट्टी जो कैसी है आयताकार है, अपन बनाते हैं आइए इस तरीके से, ये क्या ले ली आपने, कांच की एक आयताकार पट्टी ले ली। ठीक है साहब, अच्छा यहां माध्यम क्या है बोलो कि सर, यहां माध्यम हवा, और यहां माध्यम भी क्या आ गया वापस हवा, और यहां माध्यम क्या रह गया बोलो कांच। सघन या विरल बोलो, ये है विरल और ये है सघन, और ये कौन सा हो गया वापस विरल। अब सुनो बेटा, प्रकाश की किरण आपतित हुई, बोलो कहां से आपतित हुई, विरल से, कहां जा रही है बोलो सघन में, तो आप एक काम करें यहां पर क्या बना दें, अभिलंब बना दिया सर। तो बताओ प्रकाश की किरण क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, बिल्कुल मुड़ जाएगी सर, ये मुड़ गए, ये वाला कोण मान लो आप कितना आई वन, ये वाला कोण मान लो आप कितना आर वन। बात आधी समझ में नहीं आ गई बोलो, क्लियर। नेक्स्ट, अब आ गया बेटा सघन माध्यम, सघन से कहां जा रही है बोलो विरल में, तो क्या प्रकाश की किरण इससे दूर हट जाएगी, बिल्कुल दूर हट गई सर, प्रकाश किरण क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी, ये वाला कोण मान लो आप कितना आई टू, ये वाला कोण मान लो आप कितना आर टू। डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए भाई बढ़िया तरीके से, क्लियर है वाली बात। अच्छा अब बेटा किरण मैंने छोड़ी तो देखो ऐसे, लेकिन गई ये कैसे, ऐसे। अच्छा अगर मैं यहां से देखता, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या नजर आना चाहिए कि ये किरण सर ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे लेकिन इधर निकल गई, ये तो इधर निकल गई। देखो देखो कैसे आनी चाहिए थी ये किरण, अगर आप भी देखना चाहें तो सर ये किरण तो ऐसे आनी चाहिए थी, ये किरण तो ऐसे आनी चाहिए थी। जो किरण हुई है इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण आ रही है वो कहलाएगी आपतित, और जो निकल गई वो कहलाती है निर्गत, जो निकल गई वो कहलाती है निर्गत, यह है आपतित, यह कहलाएगी निर्गत। बात आई समझ में। अच्छा सर इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ लंबवत दूरी आई है, और एक चीज अगर आप नोटिस करो तो दोनों किरण बेटा समांतर है, यानी आपतित किरण के लंबवत, आपतित किरण के समांतर ही निर्गत किरण चलती है, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ लंबवत दूरी आ जाती है, और इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है, आपतित किरण ये रही, ये कौन सी किरण है निर्गत किरण, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है इसको कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण निर्गत किरण के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पहली चीज आयताकार स्लेब में। दूसरी चीज आयताकार स्लेब में क्या होगी कि भाई जितना कोण ये आई वन है उतना ही कोण आर टू होगा, जितना कोण आई वन है उतना ही कोण कितना होगा बोलो आर टू होगा। अच्छा सर जितना आई वन है उतना ही कौन सा होगा आर टू होगा, यानी आई वन बराबर आर टू, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं लेकिन अभी छोड़ते हैं। यहां देखो बेटा आप, ये क्या बनेगा बोलो जेड बनेगा, ये क्या बनेगा बोलो जेड बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा जेड, चलो एक मिनट लगे कर लेते हैं। इस पर लगाओ पता है स्नेल का नियम, यहां स्नेल का नियम लगाओ क्या होगा कि सर साइन आई वन अपॉन साइन आर वन बराबर, इसको मान लेता हूं एन वन, इसको मान लो एन टू, वापस से हवा मतलब एन वन, वापस से हवा मतलब एन वन, तो बताओ क्या लगाऊंगा फॉर्मूला एन टू अपॉन एन वन। ओके इसके लिए लगाओ बोलो प्रकाश का अपवर्तन यानी स्नेल का नियम, क्या लगेगा बोलो यहां पर, यहां लगेगा सर साइन क्या है बोलो आई टू अपॉन ये वाला एंगल कितना है आर टू, तो साइन आर टू इज इक्वल टू, बाद वाला लेना है बाद वाला, बाद वाला कितना है एन वन, पहले वाला कितना है बोलो एन टू। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो बोलो भाई अब क्या करेंगे बेटा, अब अगर मैं दोनों समीकरण को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों समीकरण को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कैसा क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, देख साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, ये वाला इससे किससे मल्टीप्लाई होगा इनटू साइन आर टू, ओ सॉरी साइन आई टू अपॉन में कितना है बोलो साइन आर टू अपॉन
साइन आर टू इज इक्वल टू, यहां कितना है बोलो, एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन इन टू, ये कितना है बेटा, एन वन अपॉन एन टू, एन वन अपॉन एन टू, ये तो सर निकल लिए, निकल लेते तो अपने को क्या मतलब, छोड़। अब बता साइन आई वन आर वन, देख एक चीज देख, एक बताता हूं, देखो दसवीं क्लास की बात बताता हूं, देख क्या ये एकांतर कोण बन गए, बन गए, मतलब सर आर वन किसके बराबर है, आई टू के, आर वन किसके बराबर है, आई टू के, ये रहा आर वन और ये रहा आई टू, मतलब ये दोनों कोण आपस में कट जाएंगे, कट गए, तो क्या साइन आई वन अपॉन साइन आर टू इज इक्वल टू वन बच गया, इसको उधर लेकर के जाऊंगा तो बोलो साइन आई वन बराबर साइन आर टू, साइन से साइन गया तो आई वन बराबर आर टू, आई वन बराबर आर टू, आई वन बराबर आर टू, हम पहले भी तो यही कह रहे थे तुमने माना ही नहीं, I1 किसके बराबर होता है बोलो, R2 के बराबर होता है, यह किसका नियम है, अपवर्तन का नियम, क्या देखा हम लोगों ने, ग्लास स्लैब से अपवर्तन, उसमें एक चीज आई प्रकाश का, अबे तुम बताते नहीं हो, पार्श्विक विस्थापन, क्या बताया बोलो, पार्श्विक विस्थापन क्या है भैया, पार्श्विक विस्थापन, एक रिलेशन आपको यह याद रखना है, और दूसरी बात और बता देता हूं आपको, चलो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि आपने कभी कभी देखा होगा ग्लास के अंदर सिक्के को रखो, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, कैसे, वो वाला उदाहरण देखते हैं लास्ट। नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास, पानी का सिक्का ग्लास के अंदर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, देखो ये मान लो आपका कोई ग्लास है, सर इतना बड़ा ग्लास, इतना बड़ा ग्लास है, यहां पे आपका सिक्का पड़ा हुआ है, यहां पर क्या पड़ा हुआ है बोलो, ये सिक्का, अच्छा ये है सिक्का, यह है सघन माध्यम, यह है विरल माध्यम, और यहां लगा देता हूं मैं आपकी मोटी सी आंख, आप इसको यूं देख रहे हो सिक्के को, तो सिक्का कैसा दिखाई देगा आपको, ऊपर दिखा हुआ दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा आप सोचो, सिक्के से निकली हुई है पहली किरण, ये गई सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये अभिलंब, अभिलंब से दूर हट गई, ओके एक किरण सीधी जाएगी, ये सीधी जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, समझ गए, और लो मान के चलो ये वाली किरण मान लो ये अभिलंब से दूर जाएगी और इस तरीके से आपकी आंखों में पहुंचेगी, तो आप जब यहां से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये किरणें कहां से आ रही हैं, बोलो ये किरणें यहां से आ रही हैं, और आपको प्रतीत होगा कि सिक्का यहां नहीं बल्कि सिक्का कहां है, थोड़ा सा ऊपर है। इसी तरह सेम सिचुएशन होती है किसके अंदर, सूरज के अंदर, जब सनसेट या सनराइज होता है, वो अभी कोर्स में से हट चुका है, अगर जरूरत पड़ी तो बना देंगे उसका वीडियो, बाकी जरूरत नहीं है, हमारे को केवल बोर्ड पे फोकस करना है, तो यहां हम खत्म करते हैं आज का प्रकाश का अपवर्तन, फिनिश, क्लियर है वाली बात। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करके चलते हैं, लेते हैं विदा। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको कुछ लगता है थोड़ा सा नॉइस का या बोर्ड पे लाइटिंग वगैरह का, या फिर और सर ये चीज और समझा दो या ये चीज और बता दो, तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें जिससे वो भी बढ़िया क्वालिटी वाली वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।